नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, नई शिक्षक भर्ती की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की और बिहार से आने वाली शिक्षक भर्ती की और एसटीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी ज्ञानवाणी प्रकाशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके लेखक है विवेक मिश्र। बिहार शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार का पेपर आता है, जो भी सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं ये जूनियर की भर्ती के लिए है और ज्ञानवाणी प्रकाशन की इस पुस्तक में आपको सारे प्रश्न मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड और बिहार एसईआरटी बेस्ड। टीआरई फर्स्ट टीआरई सेकंड के आधार पर प्रश्नों का चयन भी किया गया है। सभी प्रश्नों का सटीक व्याख्यात्मक हल मिलेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समायोजन है। प्रयागराज की जो भी बुक स्टॉल है, सभी बुक स्टॉल में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते। और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दो नंबर है, इन नंबर्स में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे, संभावित प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे और प्रश्नों की जो व्याख्या वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग अब काम करना शुरू कर दी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, शिक्षा सेवा चयन आयोग इत्यादि की, उसके बाद बात करेंगे बिहार की भर्तियों की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 मई आज से लगभग 4-5 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती के लिए जून के अंत में रिक्त पदों की गणना कराई जाएगी और इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज देगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यही व्यवस्था है और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती 2 साल से लंबी रही, पुरानी भर्ती की बात हो रही है और यहाँ पर यह नई भर्ती की बात हो रही है। और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 2 वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और सैकड़ों पद खाली हुए हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में नई भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले 1017 पदों पर लंबित भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो यहाँ पर एक नया पत्र जारी किया गया है रिक्त पदों को लेकर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा निदेशक, ये देखिए, उच्च शिक्षा और समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लिखा हुआ प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता प्राचार्य के पदों पर अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता प्राचार्य के रिक्त पदों की सूचना निरंतर इस कार्यालय को प्राप्त हो रही है। प्रवक्ता प्राचार्य के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम नियमावली 2023 में विद्यमान व्यवस्था अनुसार अधियाचित किया जाना है। तो जो नया जो नियमावली है, जो ड्राफ्ट है इसका शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें यह कहा गया कि 2025 की जो भर्तियां हैं उनका जो अधियाचन है, जो भी प्रक्रिया रिक्त पदों की, वो जून के महीने में हो जानी चाहिए, जून जुलाई के महीने में, और उसके बाद में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो मार्च के महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। और उसी के अनुसार जो है ये पत्र भेजा गया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अपने परिक्षेत्रांतर्गत समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से विज्ञापन संख्या 51 के पदों को अवलोकित कराकर हटाते हुए सृजित पदों के सापेक्ष जनशक्ति निर्धारण के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों का अधियाचन पूर्ण कराते हुए क्षेत्रीय कार्यालयवार समेकित रूप से कार्यालय में दिनांक 30 मई तक हार्ड कॉपी में विशेष वाह के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। जो अधियाचन भेज चुके हैं 51 का, उसके अलावा यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन के कारण भविष्य में कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, प्रबंधक इत्यादि का होगा। तो यहाँ पर रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा गया है और नई भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी है। कुल मिलाकर के जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं वो अब शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी अपडेट आई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप लोगों ने देखा होगा कि सचिव जी की नियुक्ति हो गई है, चेयरमैन, कार्यवाहक चेयरमैन है उनकी नियुक्ति हो गई, एमपी अग्रवाल जी की, उसके बाद में 12 सदस्य भी आ गए हैं। एक बड़ी अपडेट ये कि वित्त नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी वित्त नियंत्रक की, तो वित्त नियंत्रक की भी नियुक्ति हो गई है कल और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दे दी गई है। और ये जो वित्त नियंत्रक है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अपर सचिव वित्त है उन्हीं को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपर सचिव वित्त अखिलेश कुमार पाठक को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह इस पद पर नियमित तैनाती होने तक या अग्रिम आदेशों तक जिम्मेदारी उठाएंगे। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव वित्त सेवाएं संजीव सिंह की ओर से 16 मई को आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत तमाम प्रशासनिक पदों पर तैनाती नहीं हो सकी। सचिव जी की तो नियुक्ति हो गई, गिरजेश पाठक जी बन गए हैं, लेकिन हाँ परीक्षा नियंत्रक भी बचे हैं। इसके चलते आयोग की गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं।
तो अब केवल और केवल परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होनी है और जो चार डिप्टी सचिव की जो नियुक्तियां होनी है उसको कार्यभार देना, तो बहुत कम काम बचा है। लगभग सभी अधिकारियों की नियुक्ति यहां पर हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव के बाद में आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेंगी। जानकारी तो ये मिली है कि काफी तेजी से आगे बढ़ेंगी। और हालांकि विद्यार्थियों का यह कहना है कि जो भी रिक्त पद हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पद हों, इन पदों पर सीधी भर्ती जब कराए तब कराए। अभी जो पुराना विज्ञापन जो भर्ती लेट हो गई है 2 साल से, तो इसी में पदों को जोड़ दिया जाए। जो पुराना विज्ञापन संख्या 51 है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पद जोड़ दिया जाए, और जो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन 8 जून 2022 को जारी हुआ था उसमें पदों को जोड़ दिया जाए टीजीटी पीजीटी के, और ताकि जो भर्ती लेट हुई है उसका कुछ फायदा विद्यार्थियों को मिल सके। अगली सूचना है, हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में एस्टेट की जो परीक्षा वो आज से शुरू हो गई है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। आज की तारीख से लेकर के 29 तक लगातार ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है एस्टेट की, और ट्विटर पर विद्यार्थी इस समय अभियान छेड़े हुए हैं। विद्यार्थियों का कहना है, सर प्लीज एक्सटेंड द डेट ऑफ बिहार एस्टेट एग्जाम ऑफ 20 मई 2024 बिकॉज देयर इज वोटिंग इन झारखंड इन हजारीबाग कोडरमा चतरा, प्लीज एक्सटेंड द डेट, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फाइल्ड द फॉर्म ऑन दिस डे एंड हैविंग एग्जाम्स ऑन 20 मई 2024, सो प्लीज एक्सटेंड द डेट। विद्यार्थी परीक्षा की जो डेट वो आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाया, और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 20 तारीख का जो एग्जाम है उसको तो पोस्टपोन कर दिया जाए। प्रयागराज में भी उस दिन आसपास के जो क्षेत्र प्रयागराज के कौशाम्बी में उस दिन चुनाव है, और 25 तारीख को प्रयागराज में चुनाव है, 25 तारीख को भी परीक्षा है ऑनलाइन, तो इसीलिए विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। रही बात बिहार शिक्षक भर्ती की, तो बिहार में एक भर्ती आनी है, चूंकि 24 अगस्त को एग्जाम होना है, पहले से डेट बीपीएस ने तय कर दी है, तो विद्यार्थी चिंता ना करें। जो उनकी जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलेगी, और शिक्षक भर्ती के पहले पहले जो आपका एस्टेट हो रहा है, एस्टेट का एग्जाम का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, उसके बाद में आपकी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा टीआरई, और उसके बाद में एक और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है जिसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर के महीने में होनी है। तो बिहार से अभी भी लगातार 2 शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन अभी और आना है, तो विद्यार्थी बीपीएससी की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते रहें। और रही बात कि दूसरे राज्यों के कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ था, तो अभी एक आरटीआई आज जारी हुई है, एक आरटीआई के माध्यम से ये पता चला है कि बिहार में चूंकि जो आरक्षित सीटें हैं उसमें तो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं, जो अनारक्षित सीटें हैं उसमें दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आ सकते हैं, और जो अनारक्षित सीटें हैं जो जनरल की सीटें हैं उसमें पिछली बार लगभग 60% से ज़्यादा दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का चयन हुआ, और जिससे सोशल मीडिया में इसका विरोध हो रहा है, और सोशल मीडिया में ये मांग की जा रही है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें ये आरटीआई 14 मई की है और आज सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि ये देखिए कि कुल चयनित पुरुष, टोटल पुरुष 7949 जिनका सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 में, और इसमें से जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो 3909 हैं, और कुछ महिलाएं हैं, 17795 महिलाएं चयनित हुई थी, 17795 में से 10112 दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के चयन हुआ है, तो इसका बिहार में विरोध हो रहा है। तो मेरा काम है आप लोगों को विद्यार्थी जीवन संबंधित जानकारी देना। ये हो गया आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।